हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शालिक राम है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में सर्वप्रथम का क्या होता है और उस कार्य के बारे में बताएंगे कि सर्वप्रथम बिल्डिंग में क्या क्या किया जाता है। सर्वप्रथम हम लैंड सर्वेइंग करते हैं, जहाँ पे हमको बिल्डिंग बनाना है वहाँ पे पहले सर्वेइंग किया जाता है, यानी उसका निरीक्षण किया जाता है कि कहाँ पे हमको मार्किंग करना है, कहाँ पे हमको बिल्डिंग बनाना है। सर्वप्रथम पहले हम उसकी जानकारी करते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना अगला प्रोसीजर करते हैं। सर्वेइंग इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जहाँ बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं किसी दूसरे की प्रॉपर्टी तो नहीं है जहाँ पे हम मार्किंग कर लिए हों, इसलिए सर्वेइंग करना सर्वप्रथम काम होता है। किसी भी बिल्डिंग बनाने के पहले सर्वेइंग ज़रूर किया जाता है। लैंड सर्वेइंग के द्वारा जहाँ पे हम अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वहाँ पे हमको लेबल भी देखना कितना उठाना है, कितना क्या कर रहना है, तो ये लैंड सर्वेइंग के द्वारा ही पता चलता है। लैंड सर्वेइंग करने के बाद में सर्वप्रथम हम फिर उस प्लाट पे जाते हैं, यानी उस जगह पे जाते हैं। जैसे बहुत प्लाटों में क्या होता है, हम देखते आते हैं ज़्यादातर हमारी साइडों पे पेड़ पौधे हुए हैं छोटे छोटे, फिर पहले हम उसको साफ़ सफाई करवाते हैं, फिर उसके बाद में उसको मार्किंग करने लायक बनाते हैं। सिटी के अंदर ज़्यादातर लोग तो जो प्लाट खाली होगा उसी में कचड़ा उचड़ा कर देते हैं, तो उसको हटाना रहता है। यही सब हटाने के बाद में फिर हम अपनी जगह को मार्किंग लायक बनाते हैं, फिर उस पर हम मार्किंग करते हैं ड्राइंग के अनुसार। जो ड्राइंग हो, जिस मालिक को जिस रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसमें सर्वप्रथम सोयल डक्टिंग यानी मिट्टी खोदने का कार्य करते हैं। मिट्टी खोदने का, क्योंकि मिट्टी हम वहीं पर खोदेंगे जहाँ पर हम फाउंडेशन हमको अपना बनाना होगा। तो बहुत लोग इसको मैन पावर द्वारा या मशीन जैसे जेसीबी द्वारा बहुत लोग खोदाते हैं। अगर जिस हिसाब से वहाँ की मिट्टी हो, ज़्यादा हार्ड होगी तो जेसीबी या ज़्यादा गहराई मिले जाना तब भी जेसीबी, वैसे लोग मैनुअली खोदवाते हैं। मैनुअली में क्या होता है कि उतने का हम खोद सकते हैं जितना हमको फाउंडेशन वर्क करना हो, और जेसीबी से क्या होता है, जेसीबी से कितना भी करें वो ज़्यादा ही खुद जाता है क्योंकि ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं। क्योंकि फाउंडेशन में उतना, जैसे अगर हमको 3x4 का फाउंडेशन करना हो तो हमको 4x5 का करना पड़ेगा, गड्ढा खनना पड़ेगा। आज के लिए दोस्तों इतनी जानकारी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।